नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 9i vs OnePlus Nord N20 SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 9i में 6.47 इंच जबकि Nord N20 SE में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme 9i से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme 9i में 2.98 इंच जबकि Nord N20 SE में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme 9i से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 9i में 190 ग्राम्स जबकि Nord N20 SE में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 9i में 6.6 इंचेस जबकि Nord N20 SE में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 9i में 1080x2412 और Nord N20 SE में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 9i में 84.51% जबकि Nord N20 SE में 84.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 9i में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nord N20 SE में 267 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Realme 9i में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nord N20 SE की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 9i में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nord N20 SE की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 9i में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Nord N20 SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 9i में Adreno 610 जबकि Nord N20 SE में Powerwell GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 9i में Qualcomm Snapdragon 680 और Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 9i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Nord N20 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 9i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nord N20 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 9i में Android V11 जबकि Nord N20 SE में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 9i में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज़
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें नॉर्ड N20 SE की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 9i में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Nord N20 SE की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 9i आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Vivo Y72 5G है, तीसरा Realme 9 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia G21 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।